जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों मैं दामोदर प्रजापत आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो तो दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में पहले ही रीड कर लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक के द्वारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर या फिर एरर बताने पर या फिर अपने आप ही लॉकडाउन लॉग आउट होने की वजह से कुछ यूजर्स को परेशानी हो रही थी। उन सब परेशानी पर फेसबुक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर या फिर किसी ऑफिशियल अकाउंट पर या फिर फेसबुक के खुद के ऑफिशियल अकाउंट पर उस पर क्या बोला वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों फेसबुक पर अभी लगातार यानी आईफोन यूजर के लिए दोस्तों वो लगातार बार बार रही लॉग आउट उसकी आईडी बार बार लॉग आउट हो जाती थी और दोस्तों वो जैसे ही लॉग इन करते वैसे ही बार बार उससे लॉग आउट हो जाती थी। तो दोस्तों ऐसी परेशानी वो फेसबुक यूजर्स को बार बार करनी सामने आ रही थी। तो दोस्तों यदि आपको वो परेशानी आ रही थी तो दोस्तों वो किस कारण आ रही थी तो दोस्तों मैं वो बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखो और दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यदि आप ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिलेटेड और रिव्यू और टेक्नोलॉजी अपडेट रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी जान सके कि फेसबुक का यह नया अपडेट क्या आया और दोस्तों ये किस कारण हुआ था। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारे नॉलेजेबल और यूजफुल और टेक्नोलॉजी बेस्ट अपडेट रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों फेसबुक ने ये क्यों किया था, किसके लिए किया था और किस यूजर के लिए किया था और किस यूजर को ज्यादा नुकसान हुआ, तो दोस्तों उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किन स्मार्टफोनों के ज्यादा हुआ था, यानी एंड्रॉयड में हुआ था या फिर iOS में हुआ था, क्योंकि हमारे तो ये दो स्मार्टफोन ही चलते हैं यानी कि तो iOS या फिर के एंड्रॉयड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ये एंड्रॉयड यूजर्स को तो दोस्तों ये परेशानी कम देखने को मिली, पर दोस्तों iOS यूजर को ये परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिली। मतलब जैसे 5% जैसे कि वो एंड्रॉइड यूजर को ये परेशानी देखनी, वहीं पर भी 50% iOS यूजर को ये परेशानी देखने को मिली। और दोस्तों ये क्यों मिली, तो दोस्तों इसका कारण था कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण। और दोस्तों ये कब से स्टार्ट थी, मतलब हमें बिना लॉग आउट किए किसी की आईडी लॉग आउट हो जाती, तो दोस्तों ये कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज है दोस्तों फेसबुक अपडेट के कारण होता है। तो दोस्तों ये उसी के कारण थी। और दोस्तों इसका सबसे भारी नुकसान उन आईफोन यूजर यानी iOS यूजर के लिए हुआ था। और दोस्तों ये क्यों हुआ था, तो दोस्तों और दोस्तों यदि वो बाहर लॉगिन करते तो दोस्तों एंड्रॉइड यूजर तो आसानी से लॉगिन कर लेते और या फिर कोई निम्न मतलब कुछ लोग iOS यूजर वाले उसे आसानी से लॉगिन कर लेते थे, पर दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब SMS के द्वारा भी कोई कुछ लोगों से ये बार बार नहीं हुआ। और दोस्तों SMS देरी के आने से वजह से उन लोगों को भारी नुकसान भी हो चुका था, पर दोस्तों इसकी खेद पर फेसबुक ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी क्षमा मांगी है। तो दोस्तों यही बात थी कि कुछ लोगों का अकाउंट लॉग आउट हो चुका था और दोस्तों कुछ लोगों का अकाउंट वापस भी आ गया था, मतलब लॉग आउट होते ही लॉग इन हो गया, पर दोस्तों कुछ का नहीं हुआ। तो दोस्तों कुछ को करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, पर दोस्तों कुछ लोगों को इस क्रम में ज्यादा टाइम लगा, वो भी SMS आने में। तो दोस्तों ये सभी परेशानी फेसबुक के कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण हुई थी। और दोस्तों वो शुक्रवार को हुआ था यानी 22 जनवरी को ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए कर जाने पर दोस्तों ये सभी को परेशानी देखने को मिली। और दोस्तों ये परेशानी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है जिससे आप दिल और दिमाग पर लो, तो दोस्तों इसे ज़्यादा दिमाग पर नहीं लें कोई भी लोग। और यदि आपका अभी भी फेसबुक अकाउंट लॉग आउट है तो दोस्तों आप उसे नॉर्मली तरीके से लॉग इन कर सकते हो, उसे दिमाग पर नहीं लें। तो दोस्तों ये नॉलेज और ये यूजफुल वीडियो और ये टेक्नोलॉजी अपडेट रिलेटेड न्यूज आपको कैसी लगी वो आप मुझे कहाँ बताएंगे, कान में नहीं कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दोस्तों यदि आप हम अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तों मेरा दिल टूटेगा नहीं बड़ा हो जाएगा, जिससे हम ऐसी ही आपके लिए अपडेट रहेंगे ऐसी ही न्यूज के लिए। जैसे ही कोई बड़ा पहाड़ टूटा न्यूज टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज पर पहाड़ टूटा वैसे ही आपके वीडियोस की भरमार कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट
जरूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने कैसे आपके लिए एक वीडियो क्रिएटर के रूप में रोल निभाया वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी जान सके कि ये फेसबुक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्या है और दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी क्या है। और दोस्तों फेसबुक ने ये क्यों किया, कब से किया, कैसे किया, किसके लिए किया, किस में ज़्यादा फर्क पड़ा iOS में या फिर एंड्रॉयड में, तो दोस्तों उनके साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों जल्दी से नीचे जाकर जाना तो पड़ेगा दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज की और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस की और अनबॉक्सिंग और रिव्यू यूनिट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और वैसे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अच्छा क्यों लगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। वैसे तो दोस्तों कोरोना से बचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कोरोना का वैक्सीन का टीका आ चुका है, तो दोस्तों बेफिक्र होकर जिंदगी खुलेआम जिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग और दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।